कतर मामले में सियासत जोरों पर है। कांग्रेस लगातार मोदी सरकार से पूर्व सैनिकों को वापस लाने की मांग कर रही है। वहीं इसी के साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कतर में 8 भारतीयों को फांसी की सजा पर प्रतिक्रिया दी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारत सरकार को अपने लोगों को राजनीतिक, वैधानिक या किसी भी तरह से सुरक्षित रखना चाहिए। 8 भारतीयों को फांसी की सजा मिलने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बेहद चिंताजनक है और स्तब्ध कर देने वाला मामला है। भारत सरकार को राजनीतिक, कूटनीतिक, कानूनी या किसी भी तरीके से अपने लोगों को बचाना चाहिए। इसी के साथ ही शिवसेना के नेता ने भी इस मामले पर मोदी सरकार को खरी खोटी सुनाई है। प्रियंका चतुर्वेदी ने मोदी सरकार से इस मामले पर क्या मांग की वो भी आपको सुनाते हैं। But also as ex-servicemen, that they are brought to justice back home to India, and we need to know what really led them, led the Qatari government take them towards the death penalty, announce the death penalty. So I'm hoping that this issue would be prioritized, and the Ministry of External Affairs would ensure their safe return.